सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से निमरित कौर और अभिषेक बच्चन का नाम जोड़ा जा रहा है, वो भी उस वक्त जब पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ अभिनेता के अनबन की खबरें वायरल हो रही हैं। अफेयर की खबरों पर अभी तक अभिषेक बच्चन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन निमरित ने पहली बार इस मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी है। अभिषेक बच्चन और निमरित कौर को स्टार्स रह चुके हैं। दोनों ने साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म दसवीं में एक साथ काम किया है। बतावे चले कि तुषार जलोटा निर्देशित फिल्म में निमरित ने अभिषेक की ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाया। अब दोनों के अफेयर की खबरें वायरल हो रही हैं। निमरित कौर ने खा लिया इंटरव्यू में आखिरकार अभिषेक बच्चन के साथ अफेयर की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल उन्होंने कहा है, मैं कुछ भी कर सकती थी और लोग फिर भी वही कहेंगे जो वो चाहते हैं। ऐसी गपशप को रोकना संभव नहीं है और मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना ही पसंद करती हूँ। दरअसल बताते चले, इसी के साथ इस साल की शुरुआत से ही अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार से अलग भी रह रही हैं। एक्ट्रेस के साथ किसी अवार्ड फंक्शन या फिर फैमिली पार्टी से अभिषेक की गैर मौजूदगी भी उनके रिश्ते में अनबन की ओर इशारा कर रही है। हालांकि अभी तक ऐश्वर्या या अभिषेक ने ऐसी खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कोई पुष्टि हुई है। बात करेगा निमरित कौर की, तो वो सिनेमा जगत की बेहतरीन अदाकारा है। उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म एयर लिफ्ट से पॉपुलैरिटी मिली। वो पेडलर्स और द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी दिखा चुकी हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेडीज सब लोगों को जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइफ।